हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। तो बेसिकली अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड है अपना गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब गाउस का नियम पढ़ लिया था, इसका एक अनुप्रयोग पढ़ लिया है। आज अपना सेकंड अनुप्रयोग है अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कैसी परत है? समरूप आवेशित है और अपरिमित अनंत लंबाई की ले सकते हैं। अब देखो अचालक है, मैन रूप से यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको अचालक दिया है या फिर चालक दिया है। जैसे अगली एप्लीकेशन आएगी वो चालक के लिए आ जाएगी। तो अचालक परत और चालक परत में क्या अंतर होता है? तो एक तो है अचालक, एक होती है चालक, तो दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस होता है। अचालक करते हैं जैसे ये कोई परत है, ठीक है, तो इसके ऊपर अचालक करता आवेश कहाँ पाए जाएंगे? तो इसके परत के अंदर आवेश पाए जाएंगे। चालक कर तो परत की सतह पर आवेश पाए जाएंगे। अब अंतर आवेश होंगे तो जैसे सिंगल आवेशों की परत होगी, एक परत करते हैं सिंगल आवेशों की परत है, तो अंदर वाले आवेश का प्रभाव दोनों तरफ आएगा, क्योंकि एक सिंगल आवेश होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका विद्युत क्षेत्र इस साइड में, जैसे एक सिंगल आवेश है विद्युत क्षेत्र इस साइड में होगा, इस साइड भी होगा, तो अचालक में तो दोनों तरफ एक आवेश का विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा। चालक की बात करें इसमें क्या होगा, परत की सतह पर आवेश है, इस सतह पे भी आवेश होंगे और उस सतह पे भी आवेश होंगे, इस पर अलग आवेश होंगे यानी कि परिमाण समान होगा, यानी कि अलग आवेश होंगे, इस पर अलग आवेश होंगे। तो देखो ऐसे परत इस साइड प्लस यह है, इस साइड दूसरा प्लस है। अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव किस साइड होगा वो देखें, तो देखो प्लस के कारण इस साइड होता है और चालक पे होता है, लेकिन देखो प्लस प्लस बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, तो बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी कि वहां पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है जीरो हो जाएगा, ई बराबर जीरो हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। तो चालक में आवेश कहां होंगे, अचालक में आवेश होंगे सतह के अंदर, चालक में ये होंगे सतह के बाहर यानी बाहरी सतह पर। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना चालक और अचालक में। अब अपन टॉपिक पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र की का मान निकालना है। तो पहले तो अपन निकालेंगे इसकी दिशा कि अचालक परत दे दी जाए उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। जैसे ये अचालक परत है, समरूप आवेशित है तो इसपे समान रूप से आवेश वितरित है। अब देखो इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा मान दे दिया आपको, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो। तो पहले तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी वो देखते हैं। तो ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इस O बिंदु से समान दूरी पर ऊपर नीचे दो अल्पांश लेंगे, और कैसे अल्पांश से पृष्ठीय अल्पांश, ये मैं DS ले लिया मैंने पृष्ठीय अल्पांश से। अब इस पृष्ठीय अल्पांश के कारण सेम ऐसा ही पृष्ठीय अल्पांश यहाँ पे है, समान दूरी पर स्थित है दोनों O बिंदु से। अब इस पृष्ठीय अल्पांश के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखूंगा। तो देखो यहाँ पे प्लस आवेश हैं, प्लस के कारण क्या होते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, पहले देखें बाहर की ओर निकलती है, तो बाहर की ओर ही क्या होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसकी दिशा किस तरफ रहेगी, इस तरफ। और देखो पूरी परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है E, तो अल्पांश के कारण कितना रहेगा DE, तो ये कितना आ गया DE वेक्टर। ऐसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गई, कितने DE वेक्टर, समान अल्पांश हैं और समान दूरी पर स्थित हैं, तो ये दूरियां भी क्या होंगे समान। अब देखो यहाँ पर अपन इसको दो अलग अलग दिशाएं आ रही है, इसका एक परिणामी दिशा देखते हैं कि परिणामी सदिश किस तरफ होगा। तो इसको अपन इस घटकों के रूप में विभक्त कर लेते हैं, ये आपके ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएंगे, ये अपने क्षैतिज घटक हो जाएंगे। तो पहले तो देखते हैं इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक है। तो देखो मान लिया यहाँ पे अल्फा कौन बना रहा है, तो ये भी कितना बनाएगा अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा ही होगा, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा कौन ही होगा। अब इसके पहले क्षैतिज घटक निकालते हैं। अब देखो इसका इसके ऊपर घटक कितना आएगा, अल्फा कौन दिया रखा है, तो ये कोस में आ जाएगा, कितना डी ई कोस अल्फा। ऐसे इसके साथ भी कौन है, तो ये भी कितना आएगा इसी दिशा में डी ई कोस अल्फा। अब इसके ऊर्ध्वाधर घटक देखते हैं, इसका इस ऊर्ध्वाधर घटक कितना रहेगा, इस साइड कोस है, इस साइड कितना हो जाएगा इसका साइन, तो डी ई साइन अल्फा, ये कितना रहेगा इसका इस साइड डी ई साइन अल्फा। तो इस प्रकार से इन्हें इसको घटकों के रूप में विभक्त कर लिया,
और अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि DE sin alpha, DE sin alpha दोनों जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो क्या है, परिमाण में समान है लेकिन दिशाएं क्या है, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरी नीचे की तरफ, विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ हुआ ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये घटक तो अपने कैंसिल हो जाएंगे, कौन से घटक बचे, केवल क्षेत्रीय घटक बचे। अब दोनों एक ही दिशा में, इसका अर्थ क्षेत्रीय दिशा में इसका क्या रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको मिल रही है, और क्षेत्रीय दिशा कौन सी है, परत के लंबवत है। इसका अर्थ दिशा किस तरफ आई, तो दिशा तो हो जाएगी इसकी, दिशा आ गई परत के लंबवत। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दिशा वाला, कि दिशा किस तरह होगी, परत के लंबवत होगी। ये आपको आपको मैंने पीडीएफ में अच्छे से लिख के सेंड कर दिया है, वहां से अच्छे से पढ़ना है इसको। अब देखो इसकी दिशा आ गई तो अपन निकालते इसका परिमाण निकालेंगे। अब तो परिमाण के लिए सेकंड पॉइंट लगाएंगे, और देखो इसमें कई बार क्या होता है कि उस समय ये दे दिया कि दिशा का मान बताने के लिए पहुंच दिया जाता है, और कई बार जो दिशा और परिमाण दोनों पहुंच दिया जाता है, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड पॉइंट है विद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण कितना होगा। अब देखो मान निकालने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लगाएंगे, किसके एप्लीकेशन चल रही है, गाउस के अनुप्रयोग चल रहे हैं, तो गाउस का नियम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अब गाउस का नियम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक गाउसियन पृष्ठ चाहिए, तो अपन पहले तो एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और उसके बाद उसमें अपने गाउस का नियम लगा के उसको सॉल्व करेंगे। ये आपके समरूप आवेशित चालक पदार्थ आप देखो इस बिंदु O से, जो मध्य बिंदु मान सकते हैं, जैसे O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो अपन यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो क्या करे, इस R दूरी को भी कवर करे। तो अपन क्या मान सकते हैं कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं। अब देखो इस परत आयतचालक है, तो इस आवेश का प्रभाव दोनों तरफ आएगा, क्योंकि बीच में एक सिंगल आवेश है, तो इसका प्रभाव इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, तो गाउसियन पृष्ठ दोनों तरफ आएगा अपना, इस साइड भी आर लंबाई का रहेगा, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 2R लंबाई होगी इसकी। ये एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया, और कैसा गाउसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। अब यहां पर गाउस की परिभाषा से अपन देखें तो गाउस के नियम से पाई कोष्टू कितना होता है, पाई ई कोष्टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन होगा ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, एक कोष्टू कितना होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस की परिभाषा से ये अपना इक्वेशन आता है, और अच्छे से समझा रखा है, जिसने ये नहीं समझ आया, जिसने ये वीडियो नहीं देखा पहले ये वीडियो देखना, इसके बाद आगे इसको समझना। अब देखो अपने यहां पर क्या है, पृष्ठीय समाकलन है। अब देखो पहले तो ये देखें कितने पृष्ठ हैं, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ दिया उसमें कितने पृष्ठ बन रहे हैं, तो देखो एक तो पृष्ठ ये रहा, एक ये रहा, और एक इसका वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे कितने पृष्ठ दिखाई मिल रहे हैं अपन को, तीन पृष्ठ मिल रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग पृष्ठ समाकलन कर देंगे और उनका योग कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल गाउस के नियम से टोटल इसका पृष्ठ का मान मिल जाएगा अपन को। तो अपन लिख लेंगे इसमें यहाँ पे तीन पृष्ठ लिए जा सकते हैं, एक तो रहेगा बेलन का बाया पृष्ठ एस वन, तो ये बाया पृष्ठ इसको मैंने एस वन दे दिया। फिर दूसरा सेकंड हो गया बेलन का दाया पृष्ठ एस टू, ये मैंने इसको एस टू दे दिया। और तीसरा हो गया वक्र पृष्ठ, ये तो ये बच गया बेलन का वक्र पृष्ठ एस थ्री, तो इसको मैंने एस थ्री दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पे तीन पृष्ठों की कल्पना कर सकते हैं अपन। अब
यहाँ पे तीन प्रश्न है तो तीनों का अलग ही प्रश्न समाकलन कर लेंगे, इसका अर्थ यहाँ पे अब क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा केवल प्रश्न समाकलन हो जाएगा। तो अब कितना हो गया फाई ई इक्वल टू, पहले तो एस वन के लिए इंटीग्रेशन है एस वन ई वेक्टर डॉट डी एस ए वेक्टर प्लस एस टू के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस ए वेक्टर प्लस एस थ्री के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस ए वेक्टर इक्वल टू कितना है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक चीज देखें अपने E डॉट डी एस है यानी कि E की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी और डी एस की डायरेक्शन देखने, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा तो दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे अल्फांस है तो यहाँ पे प्लस टू अल्फांस ले लेते हैं, ये डी एस ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया मैंने। अब प्लस की दिशा क्या होती है प्लस टू अल्फांस की तल के लंबवत, तो इसका तल ऐसे है तो इसकी लंबवत ये डायरेक्शन है हो जाएगी, इसका तल है तो ये इसका तल ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन है ये हो जाएगी। तो इस यहाँ पे डी एस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये डी एस वेक्टर, यहाँ पे कितनी होगी ये वाली डी एस वेक्टर, यहाँ पे किस तरफ होगी ऐसे डी एस वेक्टर। अब देखो ए की डायरेक्शन देखें, अभी थोड़ी देर पहले आया ए की दिशा किस तरफ थी परत के लंबवत, लंबवत का अर्थ ऐसे दारी है और या फिर ऐसे जैसे इसको समझे हैं ये परत है इसके लंबवत होगी ऐसे रखी है मैंने, इसके लंबवत ऐसे होगी या फिर इस साइड ऐसे होगी, तो इस तरफ क्या होगी ई की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी इस साइड ई यानी डी एस की डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे देखे तो ऐसे जाएगी तो इस साइड ये डायरेक्शन होगी इसकी की डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और जितना एंगल उसके अकॉर्डिंग मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा फाई ई वेक्टर इक्वल टू एस वन ई डी एस कोस ई और डी एस, एस वन के लिए ई डी एस के मध्य एस वन के लिए कौन कितना है जीरो, एक की दिशा में है तो कोस जीरो प्लस एस टू में भी कितना है जीरो, तो एस टू ई डी एस कोस जीरो प्लस एस थ्री के लिए भी कितना है एस थ्री के लिए आपके पास कितना है 90 डिग्री है तो कितना हो गया ई डी एस कोस 90 इक्वल टू कितना हो गया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं अपन आगे, यहां से हटा देता हूं मैं इसको। अब देखो पहले तो समेशन क्यू का मान कितना होगा आपको दिया जाएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, इस परत का पृष्ठीय आवेश कितना है सिग्मा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है एस, तो सिग्मा इंटू एस कर दोगे तो कितना हो गया इसका कुल आवेश बता देगा, सिग्मा है आवेश घनत्व इंटू यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो गया कुल आवेश का मान दे देगा ये। कोस जीरो का मान कितना हो गया एक होता है, कोस 90 का मान कितना होता है जीरो होता है, ये मान रख देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया कोस जीरो का अर्थ ये एक हो गया तो ई, और देखो ई क्या है एक निश्चित दूरी पर अपन मान निकालना चाह रहे हैं तो ई का मान भी क्या रहेगा कोस्टेंट रहेगा, तो ई क्या रहेगा कोस्टेंट बाहर रहेगा ई, और एस वन का डी एस समाकलन है प्लस इसका भी ई क्या रहेगा यहाँ पे भी कोस जीरो का मान एक तो इसके लिए भी ई बाहर आ गया डी एस समाकलन है, यहाँ पे कितना हो गया जीरो कोस 90 का मान कितना होता है जीरो प्लस जीरो इक्वल टू समेशन है क्यू का मान कितना है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपने, अब देखो इंटीग्रेशन डी एस एस वन के लिए अब देखो दोनों का पृष्ठीय समाकलन क्या आएगा समान आएगा तो कितना देगा इंटीग्रेशन एस टू डी एस और डी एस का समाकलन कितना होता है जैसे डी एस का अक्ष होता है तो डी एस का कितना देगा एस हो गया, तो ये मान रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो गया ई एस प्लस ये कितना हो गया ई एस इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये कितना हो गया 2 ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन है एप्सिलॉन है नोट। अब देखो एस से एस कैंसिल है तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया अपना, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ये 2 इस साइड से रहेगा तो कितना आ गया 2 एप्सिलॉन है नोट। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया किसके लिए, अचालक परत के लिए, समरूप आवेशित अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। तो ये ध्यान रखना अचालक परत के लिए इतना होता है, जब चालक परत की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो अचालक परत के लिए एक उष्ट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका सदिश रूप देखे हैं कि दिशा किस तरह होगी या सदिश निरूपण कैसे दिखाओगे, तो सदिश रूप में ई वेक्टर है। अब देखो जब इसकी दिशा देखी थी हमने कि इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, परत के लंबवत है, लंबवत का अर्थ हुआ आर की दिशा में। तो यहाँ पे सदिश रूप में इस साइड देखो सारे मान क्या है अदिश रूप है, तो यहाँ पे तो वेक्टर अपन निरूपित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आर की दिशा दिखाओगे तो कैसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। आर कैप क्या है एकांक सदिश, तो क्या है परत के लंबवत है जिसकी दो क्या बता रहे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो यहां से अपना सदिश रूप आ गया ये। अब इसकी देखो निर्भरता देखें कि ए का मान विद्युत क्षेत्र का मान है अगर ऐसा तो परत के लिए आता है वो किस किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो देखो किस पर निर्भर करता है आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व पर। अब देखो आर पे देखें कि आर यानी कि दूरी पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अपन आर का मान देखें तो ई समानुपाती देखें कि आर देखो आर का कोई भौतिक मान नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ आर की पावर 0 इसको अपने लिख सकते हैं, इसका अर्थ आर पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो नीचे की लाइन एक लाइन डाल के लिख देंगे तो कि अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो ग्राफ के निरूपण देखें सिग्मा के साथ है प्रोपोर्शनल है तो इस साइड सिग्मा ले जा इस साइड ई ले जा तो प्रोपोर्शनल ग्राफ आ जाएगा सरलरेखीय। अगर आर के साथ भी बोल देंगे आर के साथ ग्राफ बनाइए तो कैसा आएगा तो आर ई तो देखो यहाँ पे आर पर निर्भर नहीं करता, आर की पावर 0 का अर्थ है 1 यानी ई समानुपाती 1 1 क्या है भौतिक 1 की संख्या का मान है, इसका अर्थ हुआ ई आर पर निर्भर नहीं कर रहा। तो आर का मान चाहे कितना ही चेंज करो ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे ई का मान इतना है तो हमेशा इतना ही रहेगा। तो ये क्या रहेगी 1/36 लाइन आएगी जो निर्भरता को नहीं बताती है। यहां से अपन ये पहला आपका सेकंड एप्लीकेशन ये खत्म होती है अपने, इसके साथ ही अगले टॉपिक में आएंगे अपने सेकंड एप्लीकेशन आएगी अपने अचालक है तो उसकी जगह चालक पता चल आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।